प्रीकंसेप्शन uh, में विनय गुप्ता जी पूछ रहे हैं व्हाट लीड्स टू व्हाट ओबेसिटी लीड्स टू हाइपो थायराइड एच और हाइपो थायराइड लीड्स टू ओबेसिटी और बोथ ऑफ द अबव ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट भी पूछते हैं मैनी टाइम्स इंसान की ये फितरत है कि वो किसी न किसी कल्प्रिट को ढूंढता है जिसपे कि अपने <laughs> ब्लेम को डाल सके तो थायराइड एक बहुत इजी कल्प्रेट मिल जाता है डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी जो कहते हैं भाई वेट गेन जो है हमें थायराइड की वजह से हो रहा है तो डेफिनेटली थायराइड की वजह से वेट गेन होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मॉडस्ट वो भी तब होता है जब अनट्रीटेड होता है एंड दिस स्ट्रीटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स अपार्ट फ्राम हाइपोथेलेमिक ओबिसिटी अब किसी को कशिंग्स हो रहा है या कोई और चीज़ हो रही है तो इन सब में मोडेस्ट वेट गेन मोडेस्ट वेट गेन का मतलब ये कि दो से तीन के जी वेट बढ़ता है डेफिनेटली बढ़ सकता है इसमें कोई इशू नहीं है बट लेकिन अगर कोई कहे कि हमारा दस किलो वेट बढ़ गया है या पिछले तीन सालों में पंद्रह के जी वेट बढ़ गया है मैं तो बिल्कुल ठीक था अब इतना ज्यादा हो गया हूँ तो मोस्ट लाइकली दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइपोथर्टिज इन फैक्ट बहुत सारी स्टडीज हैं एंड दे आर क्वाइट गुड क्वालिटी स्टडीज वो जो कि सजेस्ट करती हैं कि टी जो है जैसे जैसे बी बढ़ता है वैसे वैसे टी भी जो है बढ़ता चला जाता है

Uh, तो पेशेंट को हमें ये एश्योर करना चाहिए कि ये जो आपका वेट गेन है मोस्ट uh, लाइकली इसकी वजह थायराइड नहीं है और अगर है भी तो ट्रीटमेंट इज नॉट लिवोथॉरेक्सिन ट्रीटमेंट इज डाइट एंड लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन uh, और लिवोथेरेक्सिन को जो है हम बी एम आई लेवोथरेक्सिन देने का इंडिकेशन नहीं है सब क्लिनिकल हाइपोथराइडन फॉर एग्जाम्पल किसी का टी एस एस सेवन एट आ रहा है देन बी एम आई इज नॉट वन ऑफ द इंडिकेशन उसके इंडिकेशन और दूसरे होते हैं इनफर्टिलिटी है और जो है रिक्रंट मिस कैरेज है या मेस्ट्रोलॉर्मिटी uh, है या डिसलिपिडीमिया है या कोई कार्डिक इशू है तो वैसी सिचुएशन में तो हम ट्रीट करते हैं बट बी एम आई पर से इज नॉट एन इंडिकेशन टू ट्रीट हाइपोथराइडिस और पेशेंट को जब हम ये कह देते हैं ये थायराइड की वजह से तो उसको एक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हमने टॉक्सन लिया और हमारा वेट कम हो जाना चाहिए तो वो भी एक प्रॉब्लम uh, क्रिएट करता है फर्दर मैनेजमेंट में तो ओवरऑल uh, uh, जो मैसेज है वो ये कि थायराइड की वजह से वेट गेन बहुत मिनिमल होता है और अगर दो तीन केजी से ज़्यादा किसी का वेट गेन हो रहा है इट इज़ मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी इशूज़ रादर दैन थायरॉयड इशूज़